जो मरे हैं उनका हत्या हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है, और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। ये हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की रात हत्या हो गई है। यह अत्यंत ही दुखद घटना है और सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। और वैसे भी मुकेश सहनी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक हैं, उस ख्याल से ये मामला और भी संवेदनशील है और सरकार और पुलिस इसे पूरी गंभीरता से और संवेदनशीलता से देखेगी और जांच कर जो भी सही दोषी होंगे, जो भी कातिल होगा, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाए। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय है। सर, वीआईपी के जो नेता है मुकेश सहनी, उनके फादर की हत्या कर दी गई है, लेकिन इसके ऊपर आरजेडी और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है सरकार के हमलावर हो रही है, कैसे देखते हैं जो घटना हुई है? देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को बकस नहीं बकसने का संकल्पित है।